नमस्कार दोस्तों, स्वाद अनोखा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है ये इतनी यम्मी है, अगर आप एक बार बना लोगे तो आप हर बार यही बनाओगे। इसमें आप केक और बिस्किट दोनों के टेस्ट का एक साथ आनंद ले पाओगे। इस रेसिपी का नाम है पिजू की। सबसे पहले एक बोल में 1 कप ब्राउन शुगर, 1/3 कप मिल्क मेड और 100 ग्राम बटर डालकर इसे बीटर से बीट करेंगे। आप बटर की जगह शॉर्टनिंग भी ले सकते हो। लगभग 5-6 मिनट बीट करने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1/2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इन सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक बार और बीट कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालकर एक डो तैयार करेंगे। दूध रूम टेम्परेचर में ही होना चाहिए। दोस्तों, डो तैयार है। मेरा इसमें 2 टेबलस्पून दूध लगा है। आप चाहो तो कोको पाउडर भी डाल सकते हो। अब पाई वाला मोल्ड लेकर आधा डो इस पे सेट करेंगे। देखिए इस तरह। अब इसके ऊपर नूटेला फैलाएंगे। फिर इस पे चॉकलेट राइस फैलाएंगे। अब ऊपर से बचा हुआ डो सेट करेंगे। डो सेट होने के बाद ऊपर से चोको चिप्स और चॉकलेट राइस फैलाएंगे। अब इसे फ्री हीटेड ओटीजी में 180 डिग्री पे 20 मिनट तक बेक करेंगे। लगभग 20 मिनट में पिजू की बेक हो चुकी है। अब इसे डीमोल्ड करते हैं। देखिए ये इजीली डीमोल्ड हो चुकी है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। पिज्जू की खाने को तैयार है। आप इसे गरम गरम ऐसे ही खा सकते हो या आइसक्रीम के साथ भी खा सकते हो, लेकिन मैं आज इसे आइसक्रीम के साथ सर्व कर रही हूँ। तो आप भी बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करिए।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।